प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कोमल भाभी, थोड़ी उठ। अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई, जेठालाल मेहता सब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे। अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई। अरे कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं देखी गई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो बाहर चल के देखते। चलो चलो चलो। गोगी टप्पू, ये कैसे कपड़े? हाँ टप्पू, ये इस तरह ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या ये? हाँ रीटा, ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों, और बोलो, जवाब दो। बोलो बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना। हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे। क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। टप्पू जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या, अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? ओके ठीक है, ओके ओके हाँ ओके ओके ओके। आहो चलिए नहा लीजिए, कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है।
अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी, मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योग से योग कराए सर, मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आओ मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है, टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी, टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो लेकिन वो लड़का होशियार है, मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या माधवी, इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है। कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता हंस, तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है। क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस, तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस, ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल, असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा। अय्यर, तुम टप्पू को इस तरह से अंडरएस्टिमेट मत करो। I'm sure उसने जो भी प्लान सोचा है ना वो जरूर कामयाब होगा। बबीता, मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है, अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। Come on, अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम साइंटिस्टों के इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता, अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर, तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है, यह बहुत रिस्की प्लान है। और रोशन, तू रिस्क विस्क की फिकर मत कर, और वैसे भी बायोलॉजी है ना और सब फिक्स कर देंगे। हाँ वो तो ठीक है रोशन, लेकिन टप्पू भी छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है, और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है, देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन, लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान, तो डर मत, वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो को डर रोशन, सु व्हाट करे छे, अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा? और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी भूतनी से नहीं डरता, वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार। हाँ रोशन, तदन साची बात है, तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, तीर कमान से छूट चुका है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई, तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ भाई। मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हार पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। पोपड़ भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं तो बच्चों, आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ मैं अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस मैं अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर है। देखा अंजलि, कितने बहादुर बच्चे। वैसे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही, डर बड़ी कमाल की चीज है, हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है, और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा।
और मैं तो अंकल जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे। तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं आज रात को क्या होता है। So, all the best मेरे शेर बच्चों। Thank you, Uncle Harry. Confident. अंजलि, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? Let's hope so, तारक। बुद्धि आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चली जाओ। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं दया, सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापू जी भी मना कर रहे थे यार। टप्पू के पापा, बापू जी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे, लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर। टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे, तेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है, अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है, घर में आते ही क्या हो गया। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तो समझते क्यों नहीं है? अरे, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी। और सोचिए, आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे। और होम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे। और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी खुशी और शांति जो गायब हो गई है वो फिर से लौट आएगी। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापू जी। टप्पू के पापा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय भवा। थैंक यू। बस अब रात का इंतजार है, आने दो भूतनी को।
आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। खबरदार हो जाइए आप लोग, क्योंकि वो भूतनी जिसने गोकुल धाम निवासियों की नींद उड़ा रखी है, जिनका खाना पीना सोना जीना सब कुछ हराम कर रखा है, उस भूतनी का मुकाबला करने के लिए एक और भूतनी, आप तो जानते ही हैं, टप्पू के प्लान के मुताबिक दया भाभी भूतनी बनने के लिए तैयार हो गई है। लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, भय बिन हुई न प्रीत गुसाई, इसलिए इस भूतनी को डराने के लिए जरूरी है दूसरी भूतनी, और भूतनी के रूप में आ गई है दया भाभी। मुकाबला बहुत कमाल का है, टक्कर जबरदस्त है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, कहीं ये प्लान फेल हो गया तो, कहीं दया भाभी और गोकुल धाम के तमाम निवासी किसी नई मुसीबत में फंस गए तो, मैं नहीं जानता कि होगा क्या, लेकिन जो भी होगा वो धमाकों के साथ होगा। इधर भी एक भूतनी, उधर भी एक भूतनी, बहुत हंगामा, बहुत खौफ, बहुत डर। दया भाभी भूतनी बन के डराएगी भी और हंसाएगी भी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.